हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप है और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं और राम लिख करके पर्चे को लिख देते हैं। तो ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटाने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। सन्यासी बाबा अलग हैं, दादा गुरु जी अलग, दोनों अलग अलग विषय। पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं, हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मान। पहली बात, दादा गुरुजी अलग हैं, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं और जो काशी में उनका शरीर शांत, अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेत उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है, और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया, या तो रामायण झूठी है या काशी में मरने वाले की सिद्धि बताने वाला झूठा है, वो कैसे सिद्ध हो सकते, तो क्या रामायण झूठी है। रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक एक दो नहीं पचासों सौ पाँच सौ लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है, बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पे आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं, हमारा किसी के नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना। हाँ हाँ, बात हुई उसी बीच में, हुई आने के बाद भी हुई और बड़े अच्छे से बात हुई, सहज भाव से बात हुई, ऐसा कोई दुराई नहीं है हमारे भाइयों में।